जी, मुझे लगा तो था कि वाइल्ड कार्ड थोड़ी देर रखते हैं, मगर इतनी जल्दी टारगेट भी होते हैं और अजम्पशंस पहले ही बन जाती हैं, जो मुझे लगा घर जाके कि लोग, मैं घुसा नहीं था और लोगों की पहली अजम्पशंस बन गई थी कि ये तो ऐसा है। अगर मेरी बानी के साथ फ्रेंडशिप हो रही है या बानी को मैं पहले से जानता हूँ तो ऑलरेडी एक अजम्पशन बना ली थी कि ये भी उनके साइड है तो इसको पहले करो या वो करो, या अंदर ही अंदर उनकी प्लानिंग चल रही थी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया जो मुझे लगा था कि शायद अब नहीं होना चाहिए या ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए इतनी घर वालों को। और नए लोग, नई स्टोरीज, नया नया एक तड़का लेकर आते हैं तो और नई बातें लेकर आते हैं तो वो ज़्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। बट आपने बोला था कि आप ज्यादा एंटरटेन करोगे जी घर में, जी मगर आप ऐसा नजर नहीं आए। जी अब एंटरटेन करने के लिए बहुत बोला था मैंने कि मैं करूँगा और मैंने करा भी है, बट अगर बाहर लड़ाइयाँ वगैरह ज़्यादा दिखाई जाएंगी तो वो, अब मैं, अब अगर आपको स्वीट पर्सन देखना था या लवेबल पर्सन देखना था तो मैं दिखता, बट मैं जैसे कॉमेडी भी करना चाहता था, बट ऐसी सिचुएशन अंदर थी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना लेना चाहूँगा कि आप जब प्लेन में बैठे होते हैं तो पहले वो रनवे पे होता है और ऐसे से जाता है पहले वो अपनी, और फिर जाके वो टेक ऑफ करता है, तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी जब वो टेक ऑफ कर रहा था तब पहुँचा हूँ बिग बॉस के घर पे, तो ऑलरेडी इतना टेंशन, प्रेशर, ये वो सब चल रहा था कि मैं कहीं भूल ही गया कि यार कॉमेडी भी कुछ चीज़ होती है। मैं हंसी भूल गया था अपनी कि यार, क्योंकि वहाँ पे हर एक मोमेंट में आपका एक नई स्टोरी चल रही होती है, नए चल रहे होते, क्योंकि ऑलरेडी स्टोरीज चल रही हैं बिग बॉस के घर में तो मुझे कहीं ना कहीं एंटर करना है, तो उसी कन्फ्यूजन में इतना कुछ चलता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कुछ कि कहाँ घुसें, क्या घुसें, कौन सही कौन गलत, क्योंकि आप बाहर से देखकर गए होते हो, आपकी एक अजम्पशन खुद की होती है। बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जब तक मैं खुद आपको जानना जाऊं या आपको देखना लूं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तब तक मैं अजम्पशंस पे नहीं अपना काम करता। कुछ होती हैं छोटी मोटी चीज़ें थी, बट देन वो कहीं ना कहीं खो ही गई क्योंकि आगे ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है अंदर। आपने टास्क में भी राहुल को चैलेंज किया था, जी, ये बोलकर यू कैन एंटरटेन ऑडियंस मोर देन हिम, या पर वो सेव है, वो सेव हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि वो एक तो रिस्पेक्ट है सबकी उनके लिए और वही है, वाइल्ड कार्ड आए तो सबने उनको ही टारगेट कर दिया, तो इसलिए मैं एक कह सकता हूँ कि वो अंदर हैं और मैं बाहर हूँ क्योंकि वो वोट आउट में एलिमिनेशन में भी नहीं आए हैं, नॉमिनेटेड भी नहीं थे। क्या आपको लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के बदले अगर आप इस शो में स्टार्टिंग से जी कंटेस्टेंट की तरह? जी मुझे 110% था कि अगर मैं वाइल्ड कार्ड की जगह शुरू में जाता, जो कि मैंने बोला भी था कि तब, एक वही कह रहा हूँ ना कि रनवे पे मैं चलता उसके बाद उड़ान लेता, बट यहाँ पे मैं उड़ान में सीधा पहुँचा हूँ, तो अगर मैं तब जाता तो ऑब्वियसली 110% बहुत ही अच्छी जर्नी होती मेरी। आपके हिसाब से कौन स्ट्रिंग कंटेस्टेंट है और कौन जीतना चाहिए? कौन स्ट्रिंग कंटेस्टेंट? स्ट्रॉन्ग 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 हाँ, मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग। इस गेम में मैंने एक चीज़ देख ली कि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो उसका कोई मायने नहीं रखता, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग इन दिस गेम, और मेंटली स्ट्रॉन्ग मीनिंग मैं कहूँगा मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी के ख्याल से जो मैं देख कर आया हूँ, जो बहुत सुलझा हुआ और मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान है अंदर घर के, वो हैं गौरव चोपड़ा। पानी को लेकर जो बाबा ने रिसेंटली बोला कि गेम किस लेवल पर जा रहा है, बहुत ही गंदे लेवल पे जा रहा है ये गेम। मतलब मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मुझे या घर वालों को ऐसे बोले, और मैंने बाबा को बहुत कोशिश भी करी कि वो स्पेशली औरतों के खिलाफ कुछ भी गंद ना बोले, लड़े भी ना, अगर औरतें उन्हें कुछ कह रही हैं वो उनको अपनी बेटियों की तरह ले या छोटे होकर उनको माफ़ कर दे, चाहे वो उनको किसी भी हद तक जा रहे हैं। बट देन बाबा को आप जितना मर्जी समझा लो, सलमान जी जितना मर्जी, हम आपको लगता है कि मैंने नहीं उन्हें समझाया होगा या डांटा होगा या उनको बोला होगा कि आपने बानी को क्या बोला है, मैंने भी वही सेम चीज़ें करी और सलमान सर इतना भड़क गए उसके ऊपर, फिर भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी, वो सलमान जी ले लें या कोई भी घर वाला ले लें, वो मैं, एक होता है ना इंसान इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, वो इधर से अंदर सुनता ही नहीं है तो निकालेगा क्या, वो डालता ही वो चीज़ें हैं जो उसको उसको जो अच्छा लगेगा या उसके मायने से, जो बाहर दुनिया को पता नहीं उसके इमेजिनरी थिंकिंग के लोगों को ये पसंद आएगा, तो उसने ऑलरेडी वो समझा हुआ है, तो वो अंदर कान में डालता भी नहीं है चीज़ें, चाहे वो सलमान जी हों चाहे हम हों। तो क्या आपको लगा था कि आपका एलिमिनेशन इतनी जल्दी हो जाए?
जी जिस हिसाब से अंदर स्टोरीज चल रही थी और जाके मैंने देखा, क्योंकि मेरा अगर कहीं टिफ था किसी के साथ या कुछ था वो मन्नू के साथ था, और मन्नू पहले हफ्ते में ही जब मैं गया हूँ अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर जाना पड़ा, जो मुझे बाहर सुनने में आया कि उनकी मॉम एक्सपायर हो गई हैं, तो बहुत ही सैड है वो चीज़, बट अंदर हमें नहीं पता था। बट बाकी घर वाले मेरे साथ इतने स्वीट थे, ये थे वो थे, और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि लड़ाइयाँ ही दिखती हैं, तो अब मैं क्या करूँ यार, कोई मेरे से लड़ता ही नहीं था, मैं इतना अच्छा था सबके साथ। तो आपने देखा भी होगा कि किसी ने मुझे गालियाँ भी नहीं दी, कोई सब स्वीटली मेरे से बात कर रहे, तो मैं भी ऑब्वियसली बात है अगर मेरे से आगे वाला स्वीटली बात कर रहा है मैं भी उनके साथ स्वीटली बात करूँगा, तो मैं पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा था मुझे। बट नितिबा का थोड़ा सा था कि एंड तक होंगी, बट नितिबा का अचानक एक एंगल दिखा रहे हैं, दिख रहा है जो भी है, बट एक एंगल आ गया था उनका, तो कहीं ना कहीं पता। ओके, रिसेंटली एक पीसी हुई जिसमें बानी वॉक्ड अवे बिकॉज़ ऑफ लो पास, सॉरी लो, हाँ इंटरफेरेंस, हाँ जी इंटरफेरेंस की वजह से, उसके लिए आपने जी, उसके लिए जो बानी चली गई वो बिल्कुल सही था, वो बहुत सही डिसीजन था बानी का, क्योंकि लोपा हर एक जितने भी चार पांच क्वेश्चन बानी से पूछे गए तो हमेशा उन्होंने इंटरफेयर करा, एंड वेयर एज जब भी लोपा को पूछे गए बानी ने कभी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी। और इसके बारे में मैंने जाके लोपा के मुंह पे भी बोला था बाद में कि लोपा तूने बहुत गलत करा, तेरे को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए था, और लोपा ने मेरे थ्रू ये बोला भी कि तू बानी को कह दे कि आई एम सॉरी फॉर दैट, और मैंने ये कन्वे भी करा। तो पता नहीं ये चीज़ें नहीं दिखाई या जो भी है, बट मैंने अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था और मैंने जाके लोपा को बोला, और बहुत गलत थी, और वो उनको भी रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने बोला कि मैं भी मानती हूँ ये चीज़ के बारे में, और आई एम सॉरी फॉर दैट, तू अगर साहिल तू कन्वे कर दे, एंड आई कन्वे दैट सेम टू बानी ऑल्सो। सलमान खान भी बाबा पे काफ़ी गुस्सा है, जी उन्होंने बानी को कहा है कि जी 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 इस पे ये सवाल, ये जवाब, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, ऑब्वियसली बहुत ही गलत है। मतलब सलमान जी ने तो बाद में, मगर घर वालों ने बहुत उनको सुनाया, स्पेशली मैंने चीखा है उन पे, बाबा जी पे कि गुरु जी पे कि आपने करा क्या है, ऐसे कैसे बोल भी कैसे सकते हो। तो मैं जैसे आपको बोला उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो बोलते रहते हैं, आप जितना मर्जी उनको समझा लो, वो आज आपको सॉरी बोलेंगे, कल आज आपको सॉरी बोलेंगे, और उसी आधे घंटे के बाद वो वापस वही हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ उनकी, उनको मेरे को समझ ही नहीं आता कि वो क्या है, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उनके बारे में बात करने का, ही फ़ायदा नहीं है मेरे को लगता है। जैसे लास्टली आप व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि मुझे पता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे मेरे से, या कि आपको मैं दिखा नहीं, जो मुझे बाहर पता चल रहा है लोग चाहते थे मेरे को देखना ज़्यादा से ज़्यादा, बट मैं दिख नहीं पाया। बट फ्रैंकली बोलूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, 24 घंटे की फुटेज है जो कि आपको सिर्फ 45 मिनट्स दिखाई जा रही है, तो अगर आपको स्वीट पर्सन देखना था, लवेबल पर्सन देखना था, तो मैं दिखता, बट मैं अननेसेसरी लड़ाइयाँ नहीं कर सकता, मैं अननेसेसरी लोगों में नहीं घुस सकता, दैट्स माई नेचर। फिर भी मैं बहुत कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दिखा, तो आई एम सॉरी यार, थैंक यू। कहाँ से हैं? कौन से? इंडिया। अच्छा, हाँ।